हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके बायोलॉजी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में हम फर्स्ट क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ डिस्कवरीज के बारे में देखेंगे और किसने किसने क्लासिफाई किया प्लांट्स को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट की आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिनको हम जानते हैं, कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है, ये हमें याद रखना है फर्स्ट पॉइंट। और इन्होंने क्या किया था कि सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट्स पे इन्होंने क्लासिफाई किया था। ठीक है, इन्होंने कोई फाइलोजेनेटिक, कोई भी इन्होंने एंसेस्ट्री नहीं देखी। सिंपल इन्होंने देखा कि जो टाल प्लांट्स हैं उनको क्या बोल दिया, ट्रीज, और जो शॉर्ट है उनको हर्ब शर्ब जो भी है, ठीक है, उन्होंने सबको इनको क्लासिफाई कर दिया। बट जो उसके बाद सेकेंड कौन सी आती है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको किसने दिया था, जॉर्ज बेंथमैन एंड जोसेफ डेल्टन हुकर ने। ठीक है, ये याद रखना है, जॉर्ज बेंथमैन एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने, इन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को भी क्या देख, इन्होंने स्टडी किया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और इन्होंने प्रॉपर वेटेज दी थी। ठीक है, ये भी याद रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा इन्होंने, और मॉर्फोलॉजी भी देखी इन्होंने, तो एनाटॉमी भी स्टडी की, तो उसके बेसिस पर उन्होंने क्या किया, क्लासीफाई किया। तो उसको ये भी याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है जॉर्ज बेंथमैन एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये तो हमें याद रखना है, इसमें क्या होता है कि नेचुरल प्लस फाइलोजेनेटिक, ये सब इसको इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नेचुरल में भी उन्होंने स्टडी की थी, ये हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हम जानते हैं नेचर में, हमारी अर्थ में वेरियस डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं, सब कुछ डिफरेंट है, तो उन्होंने नंबर के बेसिस पे, ठीक है, क्लासीफाई किया। उसके बाद साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो टर्म किसी लिए आती है, बेसिकली हम जानते हैं सेल के लिए, तो सेल भी हर एक प्लांट्स में कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन होती है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया। और कीमो टैक्सोनॉमी, और हम जानते हैं फ्लावर के, फ्लावर में पिगमेंट भी डिफरेंट होते हैं, तो उस बेसिस पे उन्होंने स्टडी किया। ये हमें सिर्फ याद रखना है, और दो हमें याद रखने हैं पॉइंट्स, आर्टिफिशियल सिस्टम और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि एल्गी, एल्गी को हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायंट बोलते हैं, और स्टडी ऑफ एल्गी क्या क्या बोलते हैं हम, फाइकोलॉजी बोलते हैं। फाइकोलॉजी हमें याद रखना है, और फाइकोबायंट टर्म हमें याद रखनी है। और हम जानते हैं फंगस के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, माइकोबायंट। ठीक है, तो माइकोलॉजी हम फंगस के लिए टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, फाइकोबायंट और फाइकोलॉजी हमें याद रखना है। और एल्गी क्या होती है, हम जानते हैं वाटर की सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और हमें याद रखना है वाटर में ही क्या, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, लीफ तो होते नहीं है। ठीक है, ट्रू रूट नहीं होती, ट्रू स्टेम नहीं होती, और इसीलिए हम इसको कहते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। ये कौन शो करता है, एल्गी जो है ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। और हम जानते हैं इसमें जो कुछ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मेंबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर ब्रांच्ड होते हैं, तो वो सब हम इसमें कवर करेंगे। और इसी में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन कैसे करती है, फिर हम टाइप्स ऑफ एल्गी देखेंगे, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो उनको क्या क्या बोलते हैं, उनमें कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, कौन सी फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि यूनिसेलुलर एल्गी की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं, फिर हम इनकी डायग्राम्स भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी में हमने क्लेमाइडोमोनास और क्लोरिला की एग्जाम्पल ली हुई है, ये हमें याद रखना है। और कोलोनियल एल्गी, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है कि कोलोनियल एल्गी की एग्जाम्पल बताओ हमें, तो कोलोनियल एल्गी वॉलवॉक्स होती है, ये भी हम इसमें इसकी डायग्राम भी स्टडी करेंगे। और उसके बाद क्या आता है, फिलामेंटस एल्गी, तो फिलामेंटस एल्गी कौन सी होती है, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, और ये मल्टी सेलुलर होती हैं, और ये अनब्रांच्ड होती हैं, अनब्रांच्ड याद रखना है, अनब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनब्रांच से क्वेश्चन आ सकता है, ब्रांच्ड है कि अनब्रांच्ड है। ठीक है, तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा जो है ये फिलामेंटस है और अनब्रांच्ड है। ठीक है, ये याद रखना है, और मल्टी सेलुलर है। उसके बाद क्या आता है, कुछ मैराइन फॉर्म भी आती है। ठीक है, तो मैराइन फॉर्म में कौन कौन सी आती है, कैल्प। ठीक है, तो कैल्प में ये क्या है, बेसिकली प्लांट की तरह दिखती है। ठीक है, इसकी हाइट जो होती है ना 50 मीटर से भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये याद रखना, फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, क्लेडोफोरा एग्जांपल आती है, और एक्टोकार्पस, ये क्या है, मल्टी सेलर ब्रांच है। ठीक, क्लेडोफोरा और जो एक्टोकार्पस है ये मल्टी सेलर ब्रांच एल्गी है, ये याद रखना है। उसके बाद क्या आता है, जू क्लोरिला, जू टर्म हम जानते हैं किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल के लिए, और जो क्लोरिला है वो क्या, एल्गी है। और ये एल्गी जो क्लोरिला एल्गी है ये कहां पे ग्रो करती है, हाइड्रा पे, और एंडोजोइक शो करती है। ठीक है, एंडोजोइक ग्रोथ शो करती है। ठीक है,
हाइड्रा की बॉडी के इनसाइड ग्रो करती है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और एनिमल के ऊपर भी ग्रो करती है एल्गी, वो कौन सी एग्जाम्पल है, स्लॉथ बियर की। स्लॉथ बियर के ऊपर क्या होता है, एल्गी ग्रो करती है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, पैरासिटिक एल्गी, ठीक है। एक हमने पढ़ा एनिमल के ऊपर, एक प्लांट्स, सॉरी दो हमने एनिमल्स के ऊपर एग्जाम्पल पढ़ी, और उसके बाद थर्ड हम देखे हैं पैरासिटिक, पैरासिटिक फॉर्म, ठीक है। और पैरासाइट्स की तरह एक्ट कर रही है, कौन सी है, सिफेलुरस। सिफेलुरस क्या करती है, रेड रस्ट ऑफ टी और कॉफी को क्या करती है, डिजीज काज करती है, ठीक है। कौन सी, रेड रस्ट ऑफ टी और कॉफी, ये हमें याद रखना है। और उसके बाद आपको क्या याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी नेम्स भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और कारा के बारे में मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स है, ठीक है, कारा, ठीक है। और कारा क्या, बेसिकली मोनोइशियस एल्गी है, इसमें मेल मेल पेरेंट भी होता है, फीमेल पेरेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टोन वाट बोलते हैं, स्टोन वाट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। और वॉल बॉक्स क्या होता है, कॉलोनियल एल्गी है, और इसको क्या बोलते हैं, रोलिंग एल्गी। और स्पाइरोगायरा को हम क्या बोलते हैं, पॉन्ड सिल्क। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पॉन्ड सिल्क किसको बोलते हैं, और चार एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको, तो ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं। उसके बाद क्या पॉइंट आता है कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अगर वो, तो रिप्रोडक्शन एल्गी कैसे करती है, सेक्सुअल भी करती है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है। और हमें याद रखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्पोर्स की फॉर्मेशन करती है, किसकी फॉर्मेशन करती है, स्पोर्स की फॉर्मेशन। और स्पोर, उनको क्या बोलते हैं, हम जूस्पोर बोलते हैं, ठीक है। जूस्पोर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मोटाइल होते हैं, ठीक, ये याद रखना है पॉइंट। उसके बाद जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो करती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है। तो मोस्टली क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है, अगर बर्डिंग वगैरह होगी तो वो तो हम बताएंगे आपको, बट हमें याद रखना है क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, क्योंकि एनसीईआरटी को हमने लेकर चला है यहाँ पे। उसके बाद हमें याद रखना है थैलस की फॉर्म में ग्रो करती है, जैसे कि हमने थैलस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें ट्रू रैम, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट और ट्रू लीव्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये थ्री वेज में करती है, ये हमें याद रखना है। थ्री वेज कैसे, कैसे, आइसोगैमस, आइसो का मीनिंग क्या होता है, सेम, और गैमस मतलब फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जो गैमेट्स, सॉरी गैमस मतलब ये जो गैमेट्स हैं, ठीक है, आइसो गैमेट्स, आइसोगैमस होती है, जिसमें सिमिलर साइज के गैमेट होते हैं, ठीक है, मेल मेल भी और फीमेल भी। और उनमें कौन कौन सी एग्जाम्पल आती है, सिमिलर साइज के होते हैं, ये याद रखना है। और इसमें एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लेमाइडोमोनास फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है, ये याद रखना है। स्पाइरोगायरा नॉन फ्लैजिलेटेड, स्पाइरोगायरा में भी आइसोगैमस होती है, ठीक है। और जो स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास है उसमें भी होती है, क्लेमाइडोमोनास क्या याद रखना है, हमें फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। और जो स्पाइरोगायरा के जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हमें याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ज्यादा। उसके बाद एन आइसोगैमस जो रिप्रोडक्शन है वो कौन सी है, डिससिमिलर इन साइज, एन आइसोगैमस की बात कर रहे हैं, मतलब सिमिलर नहीं है, गैमेट्स जो है वो सिमिलर नहीं है। और वो किस में होती है, बेसिकली जो सम स्पीशीज होती है ना, याद रखना है, क्लेम और क्लेमाइडोमोनास की सम स्पीशीज, मोस्ट ऑफ दी स्पीशीज नहीं, सम स्पीशीज, ठीक है। उसके बाद थर्ड कौन सी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओगैमस। ओगैमस कैसे होती है, इसमें क्या होता है कि एक नॉन मोटाइल गैमेट्स होता है, ठीक है, और एक मोटाइल होता है। मोटाइल जनरली कौन सा होता है, मेल होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है। और इनमें जब क्या होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, जो भी होता है, ठीक है। तो इनमें कौन कौन सी एग्जाम्पल आती है, वॉल वॉक्स और फ्यूकस, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो हम को देखते एंड हैं तक इसके देखना, बाद जिससे कैसे। आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक। क्यों होगा, क्योंकि इसमें से हमने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है एनसीईआरटी का, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड किए हैं, जैसे कि हमने डायग्राम्स लिए हैं, तो इसमें से क्या होगा, आपका कोई भी पॉइंट गलत नहीं होगा एग्जाम में। तो वीडियो को एंड तक देखना। और एल्गी हमने इंट्रोडक्शन स्टडी की, कुछ पॉइंट्स देखे, और हमें ये याद रखना है कि 50% जो एल्गी है, जो सॉरी जो 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है वो कौन करता है, एल्गी करता है, ये हमें याद रखना है। और प्राइमरी प्रोड्यूसर को किसको बोलते हैं, हम एल्गी को बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल द एक्वेटिक एनिमल, तो ये हमें याद रखना है। प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल के लिए जो रिच कंपाउंड्स हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं, वो कौन प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली एल्गी प्रोड्यूस करती है, ये हमें याद रखना है। और हमें क्या याद रखना है कि जो मोस्ट ऑफ द जो एल्गीज हैं, कुछ स्पीशीज हैं, उनको क्या हम क्या एज ए फूड यूज करते हैं, ठीक है। फूड कौन सी, सम स्पीशीज किसकी, प्रोफायरा, लैमिनेरिया और सार्गेसम, ये हम देखेंगे कि रेड है कि ब्राउन है या ग्रीन है। तो ये इसको हम जस्ट थोड़ी बात देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोफायरा, लैमिनेरिया और सार्गेसम हैं, इनको हम एज ए फूड यूज करते हैं, ठीक है। ये कौन सी मैराइन एल्गी है, ठीक है, ये याद रखना है। 70 स्पीशीज है, ठीक है। स्पीशीज ऑफ
पोरफाइरा, लेमिनेरिया एंड सारियासम आर अमंग 70 स्पीशीज ऑफ मैराइन एल्गी यूज एज फूड. ठीक है, ये याद रखना है. और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हमारा, सर्टेन मैराइन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड. हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड्स कौन से होते हैं जो बेसिकली वाटर को होल्ड करके रखते हैं. ठीक है, जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है. ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोराइड. हाइड्रोक्लोराइड नहीं, क्लोराइड्स. ठीक है, सॉरी. उसके बाद क्या आता है कि एल्जिन एग्जाम्पल आती है. ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड की एल्जिन आती है, काराजिन आती है और अगार भी आती है. ठीक है, अगार को हम यूज भी करते हैं जब बायोटेक्नोलॉजी स्टडी करेंगे. ठीक है, तो वो तो हम वहां पे स्टडी करेंगे. तो एल्जिन क्या है, ब्राउन एल्गी से मिलता है, ये याद रखना है. हाइड्रोक्लोराइड, काराजिन रेड एल्गी से, ये किससे मिलता है ये भी हम बताएंगे. उसके बाद अगार जो है, अगार जो है ये जेलिडियम और ग्रेसिलिया जो रेड एल्गी है उनसे मिलता है. एल्जिन पूछा जाता है ब्राउन एल्गी से, याद रखना है. काराजिन रेड एल्गी से, अगार जो है वो भी रेड एल्गी से, और किस किस से, जेलिडियम और ग्रेसिलिया. उसके बाद हमें याद रखना है आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली. जो अगार है, ठीक है, अगार मोस्टली कहां पे यूज किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा आइसक्रीम और जेलीज प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, माइक्रोब्स की ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि माइक्रोब्स किसके ऊपर फीड करेंगे, एल्गी के ऊपर फीड करेंगे. कौन सी, अगार, अगार जो हाइड्रोक्लोराइड क्लोराइड होगा. ठीक है, उसके बाद जो क्लोरिला है, ठीक है, क्लोरिला हम जानते हैं इसके प्रोटीन्स मिलते हैं. ठीक है, तो रिच इन प्रोटीन एंड आर यूज्ड एज ए फूड फॉर स्पेस ट्रैवलर्स. कुछ स्पेस ट्रैवलर्स के लिए क्लोरिला को हम यूज करते हैं, और स्पेस ट्रैवलर्स के लिए हम साइनोबैक्टीरिया वो भी यूज करते हैं, वो भी एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, उनमें भी कौन से होते हैं, स्पायरुलिना एग्जाम्पल्स आती है. ठीक है, वो स्पायरुलिना हमें याद रखना है, वो किसमें आता है, साइनोबैक्टीरिया. और कमेंट करके ये बताना कि टेरिस्ट्रियल एल्गी किसको बोलते हैं, टेरिस्ट्रियल एल्गी किसको बोलते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताना हमें. ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्लोरिला. क्लोरिला में क्लोरोप्लास्ट की शेप कैसी होती है, और वो यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर. चलिए, तो क्लोरिला जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी है. ठीक है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में भी बताया आपको. और क्या है हमारा यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसी है, डिस्कॉइड शेप, जैसे रिंग शेप है. ठीक है, हमें यहाँ पे ध्यान से देखिए. उसके बाद सेकंड आती है यूरोथ्रिक्स. यूरोथ्रिक्स हमने क्या कहा था आपको स्टार्टिंग में, मल्टी सेलुलर और अनब्रांच्ड. यहाँ पे ध्यान से देखिए, मल्टी सेलुलर है और अनब्रांच्ड है. तो क्लोरिला है वो कैसी है, सी शेप, सॉरी जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसी है, सी शेप. और उसमें जो प्रोटीनिशियस सब्सटेंस भी होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पाइरोनाइट्स. ठीक है, ये भी हम देखेंगे पाइरोनाइट्स क्या होते हैं. उसके बाद हमने बात की थी कॉलोनियल एल्गी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग एल्गा. ठीक है, तो कॉलोनियल एल्गी यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये स्मॉल जो एल्गीज हैं ये क्या कर रही हैं, कॉलोनीज की फॉर्मेशन कर रही हैं. ठीक है, और न्यू रिप्रोडक्शन से डॉटर एल्गी भी फॉर्मेशन कर रही हैं. तो ये क्या है, ये हमें याद रखना है, वॉल बॉक्स हो गया. उसके बाद हमने बात की थी क्लेमाइडोमोनास. जो क्लेमाइडोमोनास है वो यूनिसेलुलर है. ठीक है, और ये देखिए ध्यान से, यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर है, और ये भी क्या है, कॉलोनियल एल्गी भी हमने देखी. ठीक है, और ये क्या है बेसिकली, क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, बायोफ्लैजिलेट होता है. ठीक है, ये में याद रखना है, बायोफ्लैजिलेट होता है. और जो इसमें क्लोरोप्लास्ट होती है वो कैसे होती है, कप शेप होती है, कप शेप की क्लोरोप्लास्ट होती है. क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल हमें याद रखनी है. और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जैसे कि हमने कही थी आपको स्टोन वार्ट की. स्टोन वार्ट किसको बोलते हैं, कारा को बोलते हैं. और कारा में जो क्या है, मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है. ठीक है, और मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूल, और फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, नक्यूल. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ एंड ट्वेल्थ की एनसीईआरटी में ये एग्जांपल मेंशन है. ठीक है, ये याद रखनी है आपको. उसके बाद हमने कहा था स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा क्या है हमारी, ये भी एल्गी है. और स्पायरोगायरा क्या है, मल्टी सेलुलर अनब्रांच एल्गी. मल्टी सेलुलर अनब्रांच एल्गी कौन सी है, स्पायरोगायरा. और स्पायरोगायरा में भी पाइरोनाइट्स जो प्रोटीनिशियस सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं. और जो इसमें क्लोरोप्लास्ट है वो कैसी है, रिबन शेप्ड. चलिए क्लोरोप्लास्ट को दोबारा से रिवाइज करते हैं. क्लोरोप्लास्ट क्लोरिला में कैसी है, डिस्कॉइड शेप. यूरोथ्रिक्स में सी शेप. क्लेमाइडोमोनास में कप शेप. और स्पायरोगायरा में रिबन शेप. और वॉल बॉक्स में तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हमें जितनी हमें पता है वो हमें याद रखनी है. ठीक है, तो ये था हमारा एल्गी. अब हम इसके साथ ही स्टडी करेंगे कि एल्गीज की टाइप और उनमें कैसे कैसे फूड स्टोर होता है, उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है और उनका हैबिटेट कैसा है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ एल्गी से. तो टाइप्स ऑफ एल्गी में कौन कौन सी आती है, ग्रीन एल्गी जिसको हम क्या बोलते हैं,
क्लोरोफाइसी, ये याद रखना है, क्लोरोफाइसी किसको बोलते हैं, ग्रीन एल्गी को, और फियोफाइसी किसको बोलते हैं, ब्राउन एल्गी को, रोडोफाइसी किसको बोलते हैं, रेड एल्गी को, आर से रोडो, आर से रेड, बी से ब्राउन और फियो से ब्राउन, हमें याद रखना है। क्लोरोफाइसी, क्लोरो तो हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट, और ग्रीन एल्गी, ठीक है, तो ये हमें ऐसे लर्न करना है। और जो एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन देखना, जो मर्जी देख लेना, उसमें एग्जाम्पल ही ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती हैं, तो एग्जाम्पल में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो क्लेमाइडोनास, ये हमें याद रखना है, क्लेमाइडोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक, स्पायरोवेरा, कारा और क्लोरिला, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अगर कुछ आपको भी पता है तो वो भी ऐड कर लेना। क्लेमाइडोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक, स्पायरोवेरा, कारा और क्लोरिला, ये क्या है, क्लोरोफाइसी, दैट इज ग्रीन एल्गी। और फियोफाइसी में आता है एक्टोकार्पस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टोकार्पस, डिक्टोइटा, फ्यूकस, लैमिनेरिया, सार्गेसम और कैल्प, कैल्प की हमने बात की थी, ठीक है, एक बार आप एनसीईआरटी से डायग्राम देख लेना, बाकी पॉइंट्स मैंने सारे के सारे कवर कर दिए यहाँ पे, ठीक है। कैल्प की हाइट हमने बदली थी, ये प्लांट बॉडी, मैसिव प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन करती है, फ्यूकस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है, और डिक्टोइटा, ये सारी की सारी एग्जाम्पल हमें याद रखनी है, इनको हम एज ए फूड भी यूज करते हैं, हमने वो भी स्टडी किया। उसके बाद क्या आता है, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पॉर्फाइरा, पॉलिसिगोनिया, ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम हमने स्टडी किया आगार में, और पॉर्फाइरा और पॉलिसिफोनिया हमें याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे लर्न करें, ठीक है। पीपीजीजी हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, जो रेड है वो क्या है, पीपीजीजी, ऐसे हम जो भी आपको करना हो, ठीक है, तो इसको लर्न कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि इनमें फ्लैजिला होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे हमने क्लेमाइडोनास में बोला था बाय फ्लैजिलेट होता है, तो यहाँ पे याद रखना है हमें, जो क्लोरोफाइसी होती है उसमें 2 to 8 इक्वल फ्लैजिला होते हैं, 2 to 8 पेयर्स में होते हैं, याद रखना है, 2 to 8 होते हैं, और एपिकल जो टिप से अराइज करते हैं, अगर टिप से अराइज करें तो वो याद रखना है किसमें हो रहे हैं, क्लोरोफाइसी में, और अगर साइड से, साइड की बॉडी से राइज कर रहे हैं एल्गी, तो हमें याद रखना है वो कौन सी है, ब्राउन एल्गी है, ठीक है, ब्राउन एल्गी हमें याद रखना है। और यहाँ पे हमें याद रखना है टू होते हैं या तो अनइक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रोडोफाइसी है उसमें एबसेंट होते हैं, ये हमें याद रखना है। और क्या याद रखना है हमें, जो फूड स्टोर, फूड कौन सी फॉर्म में स्टोर करता है, हमें याद रखना है फूड कौन सी फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्ची फॉर्म में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फूड भी पूछा जाता है, ठीक है। और जो फियोफाइसी है, ब्राउन एल्गी है, वो मैनिटोल और लैमिनेरियन की फॉर्म में स्टार्च को, सॉरी फूड को स्टोर करती है। मैनिटोल क्या है, बेसिकली एक अल्कोहल की फॉर्म है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और उसके बाद क्या आता है, जो रोडोफाइसी है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करती है फूड को, ये हमें याद रखना है। उसके बाद हमें क्या याद रखना है, मेजर पिगमेंट्स, पिगमेंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है और पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए और बी किसमें होता है, ग्रीन एल्गी, और ए और सी किसमें होता है, ब्राउन एल्गी, और इसमें फ्यूकोजेंथिन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, फ्यूकोजेंथिन। और क्लोरोफिल ए और डी किसमें होता है, रेड एल्गी में, ठीक है, रेड आर ई डी आता है ना, रेड, तो डी से हमें याद रखना है किसमें होता है, ए और डी किसमें होता है, रेड एल्गी में। और इसमें फाइकोएरिथ्रिन भी एक और पिगमेंट होता है, वो भी इंक्लूड होता है, ठीक है, ये याद रखना है। और फाइकोएरिथ्रिन बेसिकली ये भी रेड कलर ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इसका हैबिटेट क्या है, हैबिटेट ये याद रखना है, फ्रेश वाटर मोस्टली होते हैं, और ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, जो ग्रीन एल्गी है। उसके बाद फियोफाइसी में हमें याद रखना है, ये फ्रेश वाटर में रेयर होते हैं, जो ब्राउन वाटर, ब्राउन एल्गी होती है, ये रेयर होती है फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में अबंडेंट होती है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है। और उसके बाद जो रेड एल्गी है, ये हमें याद रखना है, फ्रेश वाटर में थोड़ी सी होती है, ठीक है, ज्यादा नहीं होती फ्रेश वाटर में। उसके बाद ब्रैकिश वाटर और साल्ट, ब्रैकिश वाटर में भी होती है और साल्ट वाटर में सबसे ज्यादा होती है रेड एल्गी, हम जानते हैं कोरल्स वगैरह सब कुछ, और जो डीप ओशन में प्रेजेंट होते हैं, तो कोरल्स तो डिफरेंट हो गए बट फिर भी, तो रेड एल्गी भी वहीं पे इंक्लूड है, ठीक, तो ये हमें सब याद रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सेल वॉल पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ये हमें याद रखना है, क्लोरोफाइसी में यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, और सेलुलोज प्लस एल्जिन की किसमें होती है, ब्राउन एल्गी में, और एल्जिन तो हमने स्टडी किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या क्वेश्चन आता है हमारा, कि जो रोडोफाइसी है उसमें कौन सा आता है, सेलुलोज, पेक्टिन और प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर्स, एस्टर किसमें होते हैं, कौन किसमें होते हैं, रेड एल्गी में, ठीक है, सेलुलोज और पेक्टिन की कवरिंग होती है और कुछ एस्टर भी होते हैं, ठीक है, ये मैं याद रखना है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मैं याद रखना है, जो गैमेट्स होते हैं ब्राउन एल्गी में, वो किसकी,
पायरीफॉर्म गैमेट्स होते हैं। पायरीफॉर्म मतलब पेयर शेप के गैमेट्स होते हैं, ये हमें याद रखना है, एक पॉइंट हो गया। उसके बाद हमें याद रखना है जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो रोडोफाइसी मोस्टली कौन सी करती है, ओगैमस की प्रोडक्शन, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है और ओगैमस, ये हमें याद रखना है। उसके बाद क्या आता है, कुछ पॉइंट्स आते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, वन और मोर स्टोरेज बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरिनोइड्स, स्टार्च की जो स्टार्च स्टोर करती है, ठीक है। सम एल्गीज स्टोर फूड एज ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, हमने यहाँ पे स्टार्च की बात की थी और यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी कुछ एल्गी क्या करती है, स्टोर करती है फूड को, ये हमें याद रखना है। उसके बाद क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट शेप, क्लोरोप्लास्ट की शेप ग्रीन एल्गी में कैसे होती है, डिस्कॉइड, प्लेट शेप, रेटिकुलेट, कप शेप भी हमने स्टडी किया, क्लेमाइडोमोनास में स्पाइरल रिबन शेप भी हमने देखा स्पाइर वगैरह में, ठीक है। उसके बाद इनर लेयर सेलुलोज एंड आउटर लेयर पेक्टोस, जो ग्रीन एल्गी होती है उसमें पेक्टोस की कवरिंग होती है, ये हमें याद रखना है। ये था हमारा सारा टॉपिक एल्गी, आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको समझ आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, थैंक यू।